ये रोज सुबह सुबह आती है यहाँ पे और यहीं पे कोरल डांस करती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है, पता नहीं यहाँ पे इसको क्या मजा आता है। टीवी देखने आती है शायद, टीवी की आवाज़ सुनती है इसको, इतना क्लोज रहते हैं हम नेचर के। ये बैठी इधर, दूसरे एंगल से भी दिखाते हैं उनको। एरी हो गई नीचे, सेंस कर लिया होगा उसने। और ही नीचे, और दरवाज़ा खोलूँगा तो ये भाग जाएगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है सुबह सुबह, मतलब जितनी मुझे कल लग रही आवाज़ कल आई है, बारिश आ गई है अभी, पता नहीं क्या हुआ। कल सुबह आवाज़ें आई थी बादल की और बारिश 24 घंटे बाद हुई है, तो थोड़ा डिले चल रहा है बारिश का प्रोसेस। लुट के मैंने चाय पी ली, अभी जा रहे हैं रेडी होने, नहाने धोने और फिर चलते हैं काम पे। आज मैं लेट उठा हूँ ऑब्वियसली, बारिश थी तो मौसम अच्छा था, नींद आ गई। अभी चलो रेडी होके काम पे चले, आज है नवरात्रा डे 2। भाई ज़बरदस्त बारिश हो रही है, सिर्फ लुधियाना में ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे पंजाब और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पूजा बता रही थी सुबह से लाइट है नहीं, अंधेरे में बैठे हैं। तो अभी टाइगर थ्री का ट्रेलर रिलीज हो गया, चलो भाई उसका रिव्यू देखे आते हैं और फिर आके बात करता हूँ। यार यूट्यूब में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि ना जो आप बनाते हो वो आपको अच्छा ही लगता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो आपको नहीं देखना, वो ऑडियंस को देखना है, वो सारे व्यूअर्स को देखना है। उस परस्पेक्टिव से सोचना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार होगा आपके साथ, अगर आप भी यूट्यूब कर रहे होगा आपको लगेगा अच्छा है पर वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपके लिए तो सब अच्छा है क्योंकि आपने मेहनत की है, बट सबके परस्पेक्टिव से सोचना पड़ता है। जैसे कि मुझे कल रियलाइज़ हुआ और काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने दूसरे चैनल से सुत्रा में ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ इंप्लीमेंट करने की। एक मुझे जो प्रॉब्लम आती है कि आउटडोर में शूट करना पड़ता है तो थोड़ी कॉन्शियसनेस आ जाती है, पर अब आई एम ट्राइंग कि उस कॉन्शियसनेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दुनिया से क्या लेना भाई, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, देखने वाले देखेंगे। जब तुम्हारी वीडियो चल जाएगी, जब तुम्हारे पास फेम आ जाएगा, तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो ठीक है भाई, मेहनत करनी है करेंगे। यार एक बात तो है, जब बिग बॉस आता है ना अपने साथ एक अलग ही हाइप लेके आता है और एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है कि चलो आज देखेंगे क्या हुआ घर में। इस बार तो यूट्यूबर भी 4 आ गए हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है 12 के 12 यूट्यूबर हो जाएंगे, मतलब 2-3 होंगे नॉर्मल सेलिब्रिटी, टीवी सेलिब्रिटी, और ज़्यादा यूट्यूबर्स होंगे, क्योंकि व्यू वो लेके आ रहे हैं, तो जो व्यू लाता है भाई फिर स्टार है, बाकी तो बेकार ही हैं। यही है भाई, ऐसे ही है दुनिया, जो बिकता है वही दिखता है, वही चीज़ है। आज वेदर इतना ज़्यादा मस्त हो रखा है ना, धूप ज़रूर है पर बारिश की वजह से ठंडक हो गई है और बहुत बढ़िया वेदर हो रखा है। पता नहीं हर बार ही हनीम भाजी कैसे कर लेते हैं, जब भी आते हैं नए रिकॉर्ड बना देते हैं, हल्का मचा देते हैं। मुझे लगता है एक आदत भी होती है, एक आपको आदत ही पड़ जाती है कि यार अगली बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ना है। मिस्टर बीस की भी यही आदत है, पता है हर नई वीडियो के साथ उसको होता है कि पुरानी वीडियो से आगे जाना। मुझे लगता है हनी पाजी की ये आदत है, शायद ये विनर्स की आदत है। और क्या ही गाना बनाया भाई हनी पाजी ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दिन पर दिन यूट्यूब को फाड़ता चला जा रहा है। लगता है यूट्यूब भी बड़ी खुश होगी हनी पाजी से, भाई इतनी ऑडियंस, इतने व्यूज़, इतना पैसा, वाह भाई। और भाई सिर्फ इंडिया में नहीं, 28 कंट्रीज़ में ट्रेंड कर रहा है भाई भाई का गाना। तो यही फ़र्क होता है भाई ग्लोबल स्टार और नुक्कड़ स्टार में। भाई इस बुक की ना बुरी बात है, जितना पढ़ना शुरू कर दोगे ना, अगर पढ़ते ही जाओगे रुकने का मन ही नहीं करता। अभी मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा था, मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, मेरा मन करी जरा मैं दूसरा भी पढ़ लूँ, फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे दुख होगा। पढ़ ही लूँगा एक और चैप्टर, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था मैक्सिमम एक चैप्टर पढ़ूँगा या 2-3 ख़त्म हो चुके हैं, चौथा स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है कम से कम 5 या 6 तो आज मैं पढ़ के जाऊँगा जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लेट्स सी, तो 5 चैप्टर पढ़ के मैंने बंद किया अभी, पर होगा भाग्य नहीं पढ़ूंगा। 5-5 करके देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट 5 को बड़ी मुश्किल से रखूँ। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ना, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, कुछ चलता रहता दिमाग में, बट अभी 5 पे मैंने रोक दिया। लिटरली यार आज तो बहुत ठंड है बाहर, सर्दियाँ आ गई, कल सुबह फिर बारिश लगी हुई है, देखेंगे क्या सुबह उठ के फिर से बारिश मिलेगी, ऐसा ही ठंडा वेदर मिलेगा। Day 2 ऑफ नवरात्रा थाली, चलो खाए। जैसे देखना शुरू हुआ लाइट चली गई, देख लो अच्छी वीडियो बन गई, काम डन। 365 डेज का चैलेंज अपना बढ़िया जा रहा है, आज का दिन भी ओवरऑल होगा गुड डे। आई होप आपको ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा, ब्लॉग को दोस्तों दुश्मनों सबके साथ शेयर कर दो, वायरल कर दो, कमेंट नहीं कर रहे कमेंट भी कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलता हूँ नए दिन में। कल भी सुबह बारिश लिखी है, हो जाए यार मज़ा आ जाएगा, इसके होती कि नहीं होती। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।